मेरे एग्जाम वॉरियर्स, उत्तम शिक्षा का एक स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में मैं दीपा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मेरे बच्चों, आप हम सभी जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने अपने लेक्चर्स में नाम क्या दिया, मार्च मिशन। तो हम अपने मार्च मिशन पर निकल चुके हैं, है ना, जहाँ हम मिशन 2023 में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और हर टीचर आपको चैप्टर वाइज अब क्या कर रहा है, पूरे क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ पूरे क्वेश्चन को कराते जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सब चीज़ों को क्या है, तैयारी कराते जा रहा है ना। तो इसी सीरीज में आज हम आ गए हैं अपने सामाजिक विज्ञान के अगले चैप्टर में, इकाई 3 में, ठीक है, जिसमें 2 है आपके भारत के संविधान का निर्माण और संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, है ना। ये क्या है, आपके राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर है। और भाई, ये जैसे मैंने बताया था ना स्ट्रेटजी की टाइम कि हमको कैसे कैसे पढ़ना है ना, एक थे हमारे मंत्री चैप्टर, कुछ थे सिपाही चैप्टर, कुछ थे राजा चैप्टर। तो ये चैप्टर कौन से है भाई, 6 अंकों वाले हमारे राजा चैप्टर, इसको एक बार में हराना है ना। मंत्रियों को तो हम छोटे छोटे हरा सकते हैं, सिपाहियों के तो बहुत सारे ग्रुप्स है, लेकिन कुछ इसमें थे जो राजा चैप्टर थे, है ना। तो ये है हमारा राजा चैप्टर, मतलब एक गोली मारेंगे और 6 नंबर देगा, है ना। तो क्या करना है बच्चे, 6 नंबर के लिए तैयारी करनी है ना। तो ये हमारा राजा चैप्टर जिसमें 6 है, जिसमें आपको 150 से 175 शब्दों में आपको क्या है, आंसर लिखने होंगे, है ना बच्चे। तो अगर आप इसको पूरे फ्रेमिंग अच्छे से कर ले तो 6 अंक निश्चित है और बच्चा आपको 6 मार्क्स देगा। कब देगा, आप चेक करने वाला जब अच्छे मार्क्स आंसर लिखोगे, है ना। आंसर सब लिखेंगे, रटा फूटा पुस्तक से सभी चीज आंसर लिखेंगे, वही पुराने आंसर लिखेंगे, लेकिन आपको अपने आंसर्स को अच्छा करना है। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, है ना। मैंने आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, माइंड मैप कैसे बनाना चाहिए, ये सब चीजें आपको कुछ लेक्चर्स में बताया है ना। तो चलो फिर से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अगले चैप्टर को। हमारा चैप्टर क्या है, अध्याय 12, भारत के संविधान का निर्माण, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है भाई, संविधान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। संविधान कौन से हमारे विषय के अंतर्गत है, राजनीतिक शास्त्र, है ना, सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत। ये आपका पहला चैप्टर है और हमारी पुस्तक का 12वां अध्याय, ठीक है। तो चलो पहले चैप्टर का एनालिसिस कर लेते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों, ये हमारा पहला टॉपिक था, है ना। उसके बाद भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ, कि भारत का संविधान निर्माण कैसे हुआ, क्या उसके पुराने उसके कार्यकाल थे, कैसे वो निर्माण हुआ, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1772, कब से, 1772 से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर अलग अलग एक्ट आए, फिर क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू ने इसके लिए कुछ ड्राफ्ट तैयार किया, फिर 1935 का अधिनियम आया, फिर क्या हुआ, जब हम आज़ाद हुए तो फाइनली क्या हुआ, भारत का संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो उसी के निर्माण हुआ तो संविधान सभा का गठन और काम के तरीके, जब संविधान बनेगा, कब बना, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ ही क्या हुआ, भारत में संविधान की मांग उठी। तो जो आज़ाद की समय जो लोग थे, जो हमारे अच्छे लोग थे, जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए प्रयास किया, कुछ नीति लोग थे, नेता थे, उन्होंने क्या किया, संविधान सभा का गठन किया, है ना। तो उन्हीं ने क्या किया, हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किया, ठीक है। तो यही पढ़ेंगे हम कि संविधान सभा के गठन कैसे हुए, उनके काम के तरीके थे, लोगों से वो कैसे कनेक्ट किए, कहाँ कहाँ से लोग आए थे संविधान सभा में, है ना। जैसे आज की सदन होती है ना, जो हमारे नेता हमारे यहाँ से चुन के जाते हैं, MPs जाते हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बोलते हैं ना। तो क्या है, वो हमारे छत्तीसगढ़ से कितने सांसद है, 11 सांसद है ना। तो इसी प्रकार क्या है, उस समय विधान सॉरी उस टाइम क्या किया, संविधान सभा के लिए क्या किया, हर राजवाड़ों ने क्या किया, अपने एक प्रतिनिधि चुने। क्योंकि क्या है, अगर आप संविधान सभा बन रहे तो पूरे देश के लिए बन रही, तो वहाँ पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी था। तो बात कही गई क्या सिर्फ कुछ ही लोगों के द्वारा नाम बना दिया जाए, या कुछ नेता कुछ ग्रुप बना दे वही संविधान सभा का निर्माण करे, तो नहीं। उस समय भी क्या है, कुछ प्रांतीय सरकारें थी अलग अलग प्रांतों में, तो वहाँ से चुनकर क्या हुए, प्रांतों से चुनकर क्या हुए, लोग गए, है ना। राजा महाराजाओं के राजवाड़े थे, वहां उन्होंने एक एक प्रतिनिधि भेजा ताकि सभी का इक्वल क्या राइट्स मिल सके, है ना। अगर आप संविधान, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, आपके क्लास में क्या 50 लोग हैं, है ना, अलग अलग आपके क्लास में 50 लोग होंगे, 9th में होंगे, 11th में, 12th में, अलग अलग होगा, है ना। अब पूरे स्कूल के लिए नियम बनाना है, तो सिर्फ क्या क्लास 12th के बच्चों को भेज दे, बाकी क्लास के बच्चों को नहीं भेजे क्या, है ना।
तो क्या सीख लिया? क्लास 9 से भी हम बच्चे भेजेंगे, 10 से भी, 11 से भी, 12th भी। तो इसी तरीके से क्या किया गया, संविधान सभा में हर रजवाड़ों से, हर राज्यों से क्या किया, एक एक प्रतिनिधि भेजे गए कि भाई जा हमारी क्लास का प्रतिनिधि आप करना, आप जाओगे तो हमारे क्लास में के जो भी नियम बनाना होगा आप उसके लिए सहमति दे देना, या कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे क्लास में आके बोलना कि ये करना है कि नहीं करना, तो हम आपको गाइड करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से क्या किया, हर राज्य और हर प्रांत ने अपने प्रतिनिधि भेजे, ठीक है। उसके बाद क्या बना, भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल आदर्श, है ना। हमने क्या पढ़ा है, आपने प्रस्तावना देखा है अपने संविधान, संविधान पढ़ते ना, हम भारत के लोग, है ना। तो वो क्या है, हमारा संविधान है जो हमारे पूरे संविधान की क्या है, रूपरेखा बताता है कि हमारा संविधान क्या बताता है, एकता बताता है, समाजवादित बताता है, पंथ निरपेक्ष, मतलब हमारा पूरे देश में जो देश है वो पूरे किसी भी धर्म से ऊपर होगा, हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, यहाँ सभी धर्मों को एक समान अधिकार, एक समान सम्मान दिया जाएगा। और पर्टिकुलर हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे देश भारत का यही धर्म है, हमारे भारत क्या है, धर्म निरपेक्ष है, मतलब सभी धर्मों को एक समान नजर से देखता है, ठीक है। तो यही क्या थी, हमारे संविधान की रूपरेखा, इसी के आधार पर हमारे संविधान में लिखे अभी 295 आर्टिकल्स है ना, इसमें 22 अनुसूचियां हैं, 22 इसमें, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 22 भागों में विभक्त है। तो ये क्या हो पूरा, ये संविधान हमारा बना, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों को मुझे कमेंट में ये करके बताना है कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने भाग है और कितनी अनुसूचियां हैं। और अगला क्वेश्चन कि शुरुआती दौर में कितने भाग थे और कितने अनुसूचियां थी, ठीक है। आपको ये दो चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है बच्चे, ठीक है। चलो अब हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न। हालांकि इस चैप्टर से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है कि वन लाइनर 4-5 से क्वेश्चन आ जाए। तो ये 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जब संविधान सभा बनी तो उस समय 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था, संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था बच्चे, ठीक है। अगला, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भाई हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को ना। तो 26 गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो कब, 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, भाई क्या राजा के द्वारा किया गया था, या नेहरू जी के द्वारा किया था, गांधी जी के द्वारा, नहीं, संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है, कैसा देश है भाई, कहा गया है ना, हम भारत के लोग, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो क्या है, लोकतांत्रिक है, कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश। किसके नेतृत्व में संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाई गई थी, भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। और इस पूरे संविधान को बनाने में सबसे प्रमुख योगदान किसका था, या संविधान के निर्माता हम किसको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है बच्चे। इतना चीज पता चल गया, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, जो हो सकता है एक एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में ही एक एक लाइन के क्वेश्चन दे दिए जाए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों, अगर प्रश्न आए संविधान की आवश्यकता क्यों या संविधान का महत्व क्या है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्नों को क्या करना पड़ेगा, आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब आप संविधान को समझोगे तब क्या कर पाओगे, इसके आंसर को लिखोगे। तो संविधान क्या है बच्चे मेरे, बताओ ये क्या है, एक आपको नियमावली दे दी गई है कि अगर देश को रूल करना है तो कैसा होगा, ठीक है। पहले भाग में क्या दिया गया है, संघ की परिभाषा, इट मीन्स यहाँ राज्य कैसे होंगे, राज्यों को क्या अधिकार दिया जाएगा, कोई नया राज्य कैसे बनेगा, अगला राज्य कैसे होगा, है ना, राज्य बना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वहां के नागरिक, ठीक है, नागरिक किसी कोई देश है तो वहां लोग रहने वाले भी आएंगे, तो पहला क्या बना, राज्य, राज्य। फिर राज्य में कौन रहेगा भाई, नागरिक, ठीक है। फिर हम क्या उनको देंगे, अधिकार देंगे, है ना, अधिकार देंगे, तो इनके लिए कानून कोई बनाएगा, तो कानून कौन बनाएगा भाई, संसद बनाएगी। तो इन्हीं सब के बारे में क्या है, पूरा संविधान बताता है कि वहां राज्य क्या होगा, वहां के नागरिक किनको कहेंगे, उनको अधिकार क्या मिलेंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, इसके नियम को कौन बनाएगा। तो हम क्या पढ़ते हैं, संसद, संसद में क्या आता, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। फिर राज्यों में क्या होगी, विधायिका होगी, है ना, हमारे यहाँ विधानसभा है, कुछ जगह क्या होती है, दो अपर सदन, लोअर सदन भी होते हैं। तो ये सब क्या बनेगा, ये पूरे एक देश के स्ट्रक्चर होगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर का निर्माण कैसा होगा, स्ट्रक्चर में नियम कौन बनाएगा, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, ये सब चीज कहाँ हम मिलाता है हमें संविधान में, है ना। सडनली कोई उठ के तो नहीं आ जाएगा, नहीं नहीं ये चलो आज करना है, है ना, जैसे हमारे टीचर की तरह अचानक कोई आ गया, चलो चलो आज ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना,
है ना, आपके स्कूल में क्या एक नियमावली बनी गई है कि कितने बजे आपका क्या होगा, प्रार्थना होगी, कितने बजे आपके कौन से पीरियड होंगे, कौन से टीचर आपको पढ़ाएगा, उसके बाद कब लंच होगा, कौन से दिन क्या क्रिया करना है ना, तो ये सब क्या एक नियमावली बना दी जाती है। उसको क्या है, आपके हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, उसको क्या करते हैं, देख रेख करते। तो सेम इसी तरह का क्या है, भारत हमारा एक देश है जहाँ राष्ट्रपति क्या है, हमारा प्रथम नागरिक होता है, संसद होती, जहाँ लोकसभा राज्यसभा होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो क्या होती है अपर लेवल पे हमारी केंद्र सरकार पे बैठती है ना, राज्यों पे क्या होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसी तरह ये सब चीजें कहाँ बताई गई, संविधान में। तो संविधान क्या है, हमारे देश की नियमावली है ना। तो राज्य और उसकी शासन प्रणाली के गठन हेतु, नियमों के निर्माण हेतु, लोगों के हितों अधिकारों के हनन हेतु है ना, राज्य और उसकी शासन प्रणाली के गठन हेतु सांसद बनती है। नियमों के निर्माण के लिए क्या करते हैं, कैसे नियम बनेंगे, क्या है वित्तीय नियम कैसे बनेंगे, अधिकारी प्रशासनिक कैसे चलेगा, ये सब चीजें संविधान बताती है। लोगों के हितों अधिकारों के लिए हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या है संविधान के भाग 3 में है ना, इसी यही सब पढ़ते हैं। संविधान के स्वरूप का निर्माण, सरकार कैसे बनेगी, सरकार का मतलब सरकार का निर्माण कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, तो निर्वाचन आयोग के गठन की बात भी कही गई है उसमें। तो ये सब क्या है, संविधान बताता है बच्चे, ठीक है। नागरिकों को पर लागू अधिनियमों और कानूनों की सीमाओं की भी निश्चय होना है ना, कि आप किसको किस आधार पर दंड दे सकते हैं, सभी के साथ समान अधिकार व्यवहार करना है, सभी को समान अधिकार देना, ये सब चीजें हमें कहाँ बताई जाती है, संविधान में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। व्यापक अर्थों में संविधान किसी राष्ट्र के उद्देश्यों और आधारभूत मूल्यों की निरूपित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चात जापान और 2009 में न्यूयॉर्क में लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य संविधान निर्माण की सभा का गठन किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, हर जैसे जैसे देश स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य देशों के द्वारा रूल करा जाता है, तो क्या होता है, हमारे नागरिकों को कुछ अधिकार देने होते हैं। तो अगर हम इतने सालों तक क्या था, हमारे को ब्रिटेन राज कर रहा था है ना, तो क्या उनके ही नियम चल रहे थे, उनके ही द्वारा बनाए गए नियम, उनके ही क्या थे गवर्नर थे, उनके ही वायस रहे, हमारे ऊपर क्या करते रूल कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, हम भारत के लोग, हमारे क्या प्रस्तावना ही शुरू होती है, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों ने ही इसको बनाया, किनके लिए, हमारे भारत के लोगों के लिए, इसलिए संविधान का निर्माण हुआ। और इसके निर्माण क्या है, हमारे लोगों ने ही की, ठीक है। तो यही है हमारे संविधान की आवश्यकता, क्यों, लोगों के नियमों बनाने के लिए, सरकार कैसे चलेगी उसके लिए, नियमों के क्रियान्वयन के लिए, लोगों को अधिकार देने के लिए, उनके कानूनों उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, ये सब के लिए क्या है, संविधान जरूरी है, ठीक है। तो आप अपने शब्दों में अगर संविधान को समझ गए तो आप क्या है, इसके संविधान की आवश्यकता भी और विशेषता आप दोनों लिख पाएंगे बच्चे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ है ना। तो भारत के संविधान निर्माण की अगर शुरुआत कहाँ से की जाए, अगर आपका वन लाइनर क्वेश्चन आ गया कि भारत के निर्माण संविधान के निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको क्या बताना है, 1772, क्या बताना है मेरे बच्चे, 1772-73, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, संविधान निर्माण की नींव रखी गई, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एक्ट आते गए, जिसमें से कुछ चीज़ें जुड़ी, चुनाव का वोट देने का अधिकार आया, राज्यों किसी को धर्म के आधार पर दिया गया, फिर राज्य सरकार बने, केंद्र सरकार बनी, ये सब क्या वो लाइन से होते गए, ठीक है। तो जो मेन आधार रखा गया था, कब रखा गया था, 1928 से मोतीलाल नेहरू के द्वारा, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बाद क्या हुआ, हम आज़ाद हुए 1947 में, तो फिर क्या हुई, हमारे संविधान सभा के गठन, हालांकि इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी है ना। तो यही से क्या हुआ, हमारा खुद का संविधान बना। और क्या हुआ, जो इतने सालों से जो ऐतिहासिक संदर्भ थे कि क्या चीज़ें होती गई, क्या चीज़ें हमने ऐड की, क्या दूसरे जगह से हमने लिया, ये सब क्या होता गया, फिर क्या हुआ, एट लास्ट हमारा संविधान बना बच्चे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला देखते हैं कि भाई संविधान सभा का गठन और काम के तरीके क्या थे। तो संविधान सभा में कैसे लोग गए थे है ना, तो क्या हुआ था, इसमें डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था, कि हम जैसे लोगों ने वोट नहीं दिया था, इसमें क्या है, प्रति 10 लाख लोगों में एक को चुना गया था है ना। तो इसी प्रकार क्या थे, प्रांत कितने थे उस टाइम, 11, ठीक है। तो 11 प्रांतों से कितने लोगों को चुना गया था, 292 लोगों को, ठीक है। रजवाड़ों से 93 और संभाग और यहां से एक एक को चुना गया था, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए थे भाई, 389। तो टोटल प्रतिनिधि कितने थे भाई संविधान सभा में, 10, प्रति 10 लाख में एक प्रतिनिधि, ठीक है। तो ये क्या थी, संविधान सभा में लोगों की संख्या थी। प्रांत कितने थे उस टाइम, 11, वहां से कितने लोग गए, 292 लोग। रजवाड़े मतलब राजा महाराजाओं के अंतर्गत कुछ उस टाइम थे, जैसे हैदराबाद था, जूनागढ़ था है ना, कश्मीर, ये सब क्या थे, रजवाड़े थे। तो वहां से लोग कैसे गए, 93 लोग गए, और कुछ कुछ संभाग, छोटे छोटे संभाग थे, यहाँ से क्या है, एक एक लोगों को चुना गया। तो इस तरह से क्या हुआ, संविधान सभा बना, ठीक है। अब काम के तरीके की बात की जाए, तो
संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम किए, क्या किया किए भाई कि संविधान जिनके लिए बन रहा है उनको उसमें शामिल किया जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लोगों को बताना पड़ेगा भाई कि संविधान बन रहा है, तो हमने उसके लिए अवेयर किया, फिर उनको बोला कि भाई आप संविधान में क्या क्या चाहते हैं तो आप बताइए हमें, है ना। लोगों से पूछा गया, इसलिए क्या किया, प्रश्नवाली का प्रयोग किया गया। प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के विचारों से परिचित होने के प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। इट मीन्स क्या किया गया कि जो प्रांतीय विधानसभा है ना, केंद्रीय विधानसभा के लोग क्या करते, उन्होंने प्रश्नावली का प्रयोग किया कि किस तरीके से संविधान बनना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, कैसे इसको बनाना चाहिए। तो ये क्या, जब प्रश्न पूछेंगे तब तो उत्तर पता चलेगा, है ना। तो सभी लोगों को क्या किया गया, प्रश्न पूछा गया। जैसे आपको क्लास में कोई कैप्टन बनाना होता है ना, तो भाई हम पता करते हैं ना भाई कि आप कैप्टन बनोगे तो हमारे लिए क्या करोगे, ये कौन कौन से नियमों के आधार पर हम कैप्टन बनाए। तो यही क्या, आपने प्रश्न किया, प्रश्नावली का प्रयोग किया। जब प्रश्नावली बनाओगे तब पता चलेगा अच्छा इसको काम करना है, इसलिए क्या किया, संविधान सभा के लोगों ने एक प्रश्नावली बनाई। दूसरा, समाचार पत्रों का प्रयोग किया। अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार का परामर्श समिति के विचारों को पारदर्शिता के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करके जनता को भी विचार विमर्श का अवसर दिया गया, ताकि संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर विचार हो सके। क्या किया गया, जैसे अल्पसंख्यक हो गए है ना, उनके लिए भी हम नियम बना रहे हैं, ठीक है, हम मौलिक अधिकार बना रहे हैं। तो क्या किया गया, लोगों को इसके बारे में बताया गया कि अगर हम ये अधिकार बनाते हैं तो बताइए आपको इसमें क्या चीज़ें सही लगती, या इसके बदले हमें क्या रखना चाहिए, या इस प्रावधान में हमें क्या चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए। जब मेरे लिए नियम बन रहा है, आप क्लास 10th में हो, आपके लिए नियम बन रहा है और आपको ही नहीं पूछा जाए तो कैसे नियम बनेगा। आपके गांव के लिए जहां आप सब रहते हो, शहर में जहां कस्बे में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, वहां के लिए नियम बनाया जा रहा है, और वो कोई अमेरिका का बैठा व्यक्ति बना सकता है क्या, नहीं। कोई दिल्ली का बैठा व्यक्ति बना सकता है कि नहीं। आप जिस गांव के हो, जिस स्कूल में हो, जिस क्लास में हो, वही के लोग तो आपने नियम बनाएंगे ना। इसलिए क्या किया, जिनके लिए नियम बनाया गया उनको भी पूछा गया कि इसमें क्या प्रावधान ऐड करना चाहिए और क्या प्रावधानों को हटाना चाहिए, ठीक है। आम सभाओं का आयोजन किया गया, उसके लिए क्या किया, आम सभाओं का आयोजन किया गया, वहाँ वाद प्रतिवाद किया गया कि लोगों को बताइए ये कर सोच रहे हैं तो इसमें और क्या ऐड करना चाहिए, या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपकी ऐसी कौन सी समस्या है जिसको हमें लगता है कि ये पूरे देश की समस्या हो सकती है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, या क्या चीज़ें आपको ऐसी परेशानी है जो लगती है कि भविष्य में ऐसी हो सकती है तो उसको ध्यान में रख के हमें संविधान का निर्माण करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या की, संविधान सभा में बात की गई और इन्हीं के आधार पर क्या है, संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों के परामर्श के लिए बनाई गई संविधान सभा के प्रारूप समिति ने 60 देशों का क्या किया, संविधान को देखा, समझा और उसके बाद क्या हुआ, संविधान का निर्माण किया, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको लिखनी होंगी आंसर में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आंसर लिखना होगा, है ना। और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, आप क्या करो, उस चैप्टर का माइंड में बना लो। जैसे मैंने शुरू में 4 डब्बे बनाए ना, 4 डब्बों में संविधान की आवश्यकता क्यों, तो 3-4 पॉइंट लिख लो, है ना। प्रारूप समिति क्या थी ये सब लिख लो, और उसके संविधान के प्रस्तावना का मूल उद्देश्य उसको ऐसे 4 लाइन में लिख लो। उतना लिख लोगे तो अपने आंसर में, सामाजिक विज्ञान क्या है, अपने आंसर में रटा रुटाया सामाजिक विज्ञान में हम आंसर कभी नहीं लिख सकते, और वो लिखोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, आपकी सोच क्या है, एग्जाम उसी लिए होता है ना मेरे बच्चों कि आप क्या सोचते हो। आप जब अपनी सोच को कॉपी में लिखते हो तो वो होता है आपका आंसर, है ना। तो रटने की कोशिश कभी मत करना, आंसर को समझने की कोशिश करना, उसको एनालिसिस करना। जब आप एनालिसिस करके उसको लिखोगे तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे निकलेंगे, है ना। तब आपके क्या हो, दूसरों से अलग आंसर लिखोगे। अब इन 5 उंगलियों में ये इन 5 उंगलियों में क्या है, सभी अलग अलग है, हाइट है ना, तो सबको हम अलग अलग रूप से देखते हैं। तो इसी प्रकार के आपको अपना आंसर सभी से अलग लिखना होगा। जब आप सभी को सभी से अपना आंसर अलग लिखोगे तभी क्या होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। सॉरी, चलो अगला प्रश्न क्या हो सकता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य आदर्शों को आप समझाना है। तो क्या करना है, इसमें जो हमें आदर्श दिए गए हैं उनको हमें समझाना है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न कैसे आएगा भाई, कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल आदर्शों को समझाइए, या आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। जैसे आप लोकतांत्रिक हो गया, समाजवादी हो गया, ये धर्मनिरपेक्ष हो गया, गणराज्य हो गया, ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे, इसकी व्याख्या करें, है ना। तो हम क्या करते हैं, पूरे क्या है जो उद्देशिका है उसको समझ लेते हैं, है ना। तो पहली बात कीजिए मूल्य और आदर्श, तो ये कहाँ से है भाई, तो हमारे जो आज़ादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता के लिए हमने लड़ाई लड़ी, जो हमारे अलग अलग क्या हुए आंदोलन हुए, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, है ना, दांडी यात्रा,
बहुत सारे हमने क्या किया, अलग अलग समय में स्वतंत्रता के लिए अलग अलग क्या है लड़ाइयाँ लड़ी, तो उन्हीं के जो आदर्श थे, उनके प्रेरणा थे, उन्हीं चीज़ों को लेकर क्या किया हमने मूल्य और आदर्श बनाए। जैसे सभी को समान अधिकार मिले, समाजवादी मतलब क्या है कि कोई भी एक हम समाज को अपर ना करें, और समाजवादी मतलब हमारे देश में सभी समाज एक हो। धर्मनिरपेक्ष, तो जैसे हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई है ना आज़ादी के समय, उसी को ध्यान में रखकर कहा गया कि हमारा देश समाज धर्मनिरपेक्ष होगा, मतलब कि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, यहाँ सभी धर्मों को समान अवसर प्राप्त होंगे और सभी धर्मों को समान हम क्या करेंगे, समान उनको हम आदर्श रूप में देखेंगे, है ना, सभी धर्मों को क्या करेगा जाएगा, समान अवसर प्राप्त होंगे, सभी के लिए समान सम्मान दिया जाएगा। तो क्या हुआ, यही हमारे क्या है धर्मनिरपेक्ष बताया गया। ठीक है, तो चलो देखाते हैं मूल आदर्श क्या बताया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित था हम भारत के लोग, मतलब सबसे पहले शुरुआती कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, तो उद्देशिका हमारी प्रस्तावना की शुरुआत की हुई हम भारत के लोग, मतलब इसको बनाया किसने है, हमारे लोगों ने, हम भारत के लोगों ने, फॉर द पीपल वी द पीपल, है ना। तो इस विधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं, ये लिखा हुआ लास्ट में, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया समस्त भारत के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो संविधान सभा है, भले हमने डायरेक्ट उस समय नहीं चुना था, लेकिन क्या था, वो भारत के लोग ही थे जो अलग अलग जगहों से चुन के गए थे, है ना, इसलिए क्या हम भारत के लोग। तो जब संविधान बना तो वो केवल एक राज्य एक देश का नहीं था, वो पूरे भारत का था, इसलिए क्या है वो हम भारत के लोगों थे। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द, मतलब हमारा जो भारत है वो किसी अब किसी अन्य देश का क्या है गुलाम नहीं है। अब हमारे देश पर कोई अगला देश क्या है आकर कानून नहीं लगा सकता, कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे आकर रूल नहीं कर सकता। हम अपने नियम बनाने में स्वतंत्र हैं, हम अपने क्रियान्वयन में स्वतंत्र हैं, हम अपने लोकतांत्रिक नियम बनाने में स्वतंत्र हैं, हम चुनाव कराने में स्वतंत्र हैं। तो क्या हुआ, प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम हर रूप से अपने देश की टेरिटरी के अंदर प्रभुत्व संपन्न है, मतलब हम अपने नियम भी खुद बनाएंगे, उसको क्रियान्वयन भी खुद करेंगे, हमें कोई दूसरा देश आके नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अभी अलग देश प्रदेश है कि क्या है, सभी देशों के मिलकर कुछ नियम बनाएंगे, लेकिन हम अपने देश के अंदर का क्या करते हैं ये हमारे रूल होंगे। ठीक है, तो प्रभुत्व संपन्न मतलब यह किसी बाह्य शक्ति जैसे कोई दूसरे देश से स्वतंत्र है और सर्वोच्च शक्ति है, देश के अंदर भी संप्रभुत्व संपूर्ण राज्य के निर्णय सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इसके पीछे देश के सभी निर्वासियों की सहमति है ना, मतलब देश के अंदर कोई भी नियम बनाए वो राज्य के अंदर हो देश के अंदर वो उसके लिए क्या है हम स्वतंत्र है, हमारे लिए कोई बाहर का देश आके क्या करेगा हमारे क्रियान्वयन में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, अगला समाजवादी, ये क्या है, बाद में जोड़ा गया, जब संविधान बना था 1946 में 50 तक तो नहीं जोड़ा गया था, ये बाद में 1977 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें इसका आशय है भारत के समस्त अपने नागरिकों के बीच सभी प्रकार के सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और सभी संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा, ना कि किसी निजी के, मतलब क्या था समाजवादी। हमारे देश में पहले क्या होता था, समाज के आधार पर क्या थे काम बटे हुए थे, जैसे आपको अगर इस समाज से हैं तो जैसे देवांग समाज के लोग ज़्यादातर कपड़ा सिलेंगे, है ना, क्या होता है कुछ समाज के लोग यही क्या करेंगे खेती करते थे, है ना, या कुछ समाज के लोग सेवा कार्य में लगे होते थे, तो अलग अलग क्या था जाति व्यवस्था के आधार पर समाज को बांट दिया गया था, है ना, तो ये काम ये समाज वाला व्यक्ति ये नहीं कर सकता, ये समाज वाला वहां नहीं रह सकता, तो उसके लिए क्या किया गया संविधान ने, सभी समाज एक है, समाजवादी मतलब हमारा देश ऐसा है जो सभी को समान अवसर देगा, आप किसी को आर्थिक स्थितियों पर नहीं रोक सकते, किसी को नौकरी पाने से नहीं रोक सकते, इसलिए क्या किया समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इट मीन्स हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार होगा, सभी को सम्मान दिया जाएगा और सभी के लिए क्या है इक्वल नियम और कानून बनाए जाएंगे, कि हम ये नहीं बोलेंगे कि इतने लोग ज़्यादा रहते तो यहाँ का धर्म ये है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगला लोकतंत्रात्मक, मतलब यहाँ की जो शासन पद्धति है वहाँ लोगों के द्वारा चुनी जाती है, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, है ना, ये हमारे विधानसभा के लोग हो, इनको विधायक हो, हम क्या करते हैं इवन हमारे पंचायत, है ना, हमारे गांव के जो सरपंच होता है उसको भी हम चुनते हैं, है ना, तो यही क्या है लोकतंत्रात्मक, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो हमारे पूरे देश में क्या व्यवस्था की गई, लोकतंत्रात्मक शासन होगी। ठीक है, इवन जो राष्ट्रपति है वो भले अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं, राष्ट्रपति को हम नहीं चुनते, हमारे द्वारा जो चुने हुए सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो सब मिलके क्या करते हैं राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो इस प्रकार वो भी तो चुने हुए हैं ना, नॉमिनेटेड तो नहीं है भाई कि जाओ
हम इसको आज ये राजा को बना देते हैं, राजा से एक राजा का बेटा राजा बनेगा, हमारे यहाँ वो नहीं है, लोगों की चुनी हुई सरकार चलती है ना। तो इसलिए क्या कहेगा, लोकतंत्रात्मक है। गणराज्य का मतलब वही हुआ कि यहाँ का जो प्रमुख मुखिया होगा वो किसी वंशागुनत नहीं होगा, कि हमारे यहाँ किसी राजा का शासन नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्रात्मक। मतलब हमारी जो सरकारें होंगी वो भी लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, इवन जो हमारा सरकार हमारे राज्य का प्रमुख व्यक्ति होगा है ना, राष्ट्र का राज्य का, वो भी क्या होगा, हमारे लोगों के प्रतिनिधित्व के द्वारा चुना जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या होता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, उसको भी क्या हो, हम अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुनकर वहाँ भेजते हैं, है ना, वो किसी राजा का वंशागुनत नहीं होता। इसलिए हमारे देश को क्या कहते हैं, गणराज्य, लोगों के द्वारा राज्य। ठीक है, चलो अगला शब्द देखते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब यहाँ हर किसी को बराबर न्याय मिलेगा। आप किसी को इस समाज का है या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से है करके आप न्याय से उसको न्याय के लिए आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। क्या है हमारे देश में, इवन राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सभी को क्या है, समान अधिकार समान न्याय मिलेगा, है ना। और उनको अगर उन्हें कुछ गलती की है तो उनको भी वही दंड प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो आपके लिए हो। तो हमारे देश में ये व्यवस्था की गई है बच्चों, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म की उपासना, मतलब स्वतंत्रता। आपको ये नहीं बोला जा सकता कि आप ऐसा सोचो, आपके कैसे क्या हो सकता है कि आप जिस देश में रहते हो वहाँ क्या है, हर किसी को स्वतंत्रता मिली है कि आप जिसकी चाहे उपासना कर सकते हो, आप अपने विचार हर जगह रख सकते हो, आपकी जो पसंद है नापसंद है आप उसके अनुसार रह सकते हो, है ना। अगर मुझे कहीं जींस टॉप पहन के जाना तो मैं जींस टॉप ही पहन के जाऊँगी, ज़रूरी नहीं कि मुझे बोला जाए साड़ी में जा या सूट में जा, आपको कोई ये नहीं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं कहा जाएगा कि आपसे दसवीं तक पढ़ोगे लड़की हो तो उसके बाद आपको नहीं पढ़ना, ये ऐसा कोई नियम है। आपके विचार की स्वतंत्रता है, आप उपासना जिसकी चाहे पूजा कर सकते हो, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकते हो, और आपको जैसे चीज जहाँ जाना है घूमने के लिए जा सकते हो, जो खाना है अपने विचार प्रकट कर सकते हो, अगर आपको चुनाव में लड़ना है नहीं लड़ना है, वोट देना नहीं देना, ये सब चीज़ें क्या आपके अधिकार है, स्वतंत्रता है। तो इसको कोई जाके आपके ऊपर हावी नहीं कर सकता कि आपको यही करना है ना, ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। प्रतिष्ठान और अवसर की समानता, मतलब क्या है, प्रतिष्ठा, हर किसी को प्रतिष्ठा मिलेगी, और अवसर मतलब काम के लिए हमने सबको एक समान अवसर देंगे। प्रतिष्ठा मतलब हर किसी को अच्छे काम में, ऐसा नहीं कहेंगे कि शहर वाले ही यहाँ काम करेंगे, गांव वाले यहाँ जाके काम नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी में सिर्फ शहर वाले या सिर्फ इस कास्ट वाले जाएंगे, ये कास्ट वाले नहीं कर सकते। इसलिए क्या हमने प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कि सभी को समान अवसर मिले, इसलिए क्या कि हमने आरक्षण भी दिया है कि जो अनुसूचित जाति है जनजाति हैं जो ट्राइबल्स एरिया में रहते हैं उनको भी क्या मिले, अवसर मिले, इसलिए हमने क्या किया है आरक्षण भी दिया है, ठीक है। और व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्र की एकता, तो ये सभी क्या बताते हैं हमारे जो उद्देश्य का है, वो व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्र की एकता। जब आप सभी लोग एक होंगे, सबको एक समान अधिकार मिलेंगे, सभी समाजों को एक आईने से देखा जाएंगे, एक ही पायदान पे देखा जाएगा, है ना, तो क्या होगा हमारे समाज में एकता अखंडता आएगी। तो यही सब क्या है बच्चे, आपके संविधान की मूल्य उद्देश्य है, ठीक है। अगर आप एक एक पॉइंट को कि दो दो लाइन भी लिखोगे ना, 6 मार्क्स में बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो आपको ये मूल्य अधिकार मूल्य जो आदर्श है उसको बहुत अच्छे से करके जाना है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसके एक एक की पॉइंट के दो दो लाइन भी लिख दोगे ना, 100% आपको 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बच गया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। विशेषताएं क्या है भैया, क्या था संविधान की, कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि द्वारा निर्मित है, लिखित है, संपूर्ण संविधान है, और जो भारत का संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, विस्तृत और व्यापक संविधान है, मतलब वही बताया सबसे बड़ा संविधान है। यह संपूर्ण प्रभुत्व समाज, लोकतांत्रिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। इसके की पॉइंट आपको लिख देना है, नागरिकों को मूल अधिकार देते हैं, मूल कर्तव्य दिखते हैं, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका गठन। हमारे यहाँ अगर आप क्या करता है, कोई कुछ अपराध करता है तो क्या करना पड़ता है, उसे हम क्या करते हैं, सजा देते हैं, तो सजा कौन देगी, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का निर्माण कैसे होगा ये संविधान बताएगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में कहाँ बताया गया, संविधान के बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया कि यहाँ कैसे शासन किया जाएगा, संघात्मक एकात्मक शासन प्रणाली। मतलब संघात्मक मतलब क्या है, हमारे यहाँ संघ है, मतलब केंद्र सरकार होगी, फिर राज्य सरकार होगी, फिर उसके नगर पालिका पंचायत की संघ होगी। एकात्म मतलब क्या है, हमारे जो संसद है वो अपने तरीके से कार्य करेंगे, राज्य के लोग अपने तरीके से कार्य करेंगे। तो ये सब क्या शासन प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई है, ठीक है। एक हानि नागरिकता का
मतलब आप सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं हो सकते, महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हो सकते, आपकी नागरिकता सिर्फ भारतीय नागरिकता है, आप सिर्फ भारत गणराज्य के नागरिक है ना। आप किसी बोलने के मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, ठीक है, यह हमारी पहचान है, लेकिन हम भारत के लोग हैं, है ना। तो आप अपने आप को क्या बोलेंगे, मैं भारतीय हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से भारत में केवल एक नागरिकता बताई गई, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं कि हमें अधिकार तो दिए गए हैं, है ना, साथ में राज्यों को यह बताया गया कि हमारे लिए क्या क्या नियम बनाने हैं, ठीक है। तो ये राज्यों को बताया गया है कि सभी को काम के अधिकार देना है, सभी को समान वेतन देना है, सभी को शिक्षा देना, ये सब क्या बताया गया, राज्यों और सरकारों को बताया गया कि आपको लोगों के लिए क्या क्या काम करना है। आपातकालीन उत्पन्न, जैसे अचानक से कोई हमारे देश पर हमला कर दिया या कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होगी जिससे पूरे देश को समस्या है, कुछ घटना हो सकती है, तो उसके लिए क्या आपातकालीन प्रबंध किए गए कि ऐसे आपातकालीन में सरकार क्या काम करेगी और राज्यों का क्या कर्तव्य होगा अपने लोगों के प्रति। उत्तरदायी शासन प्रणाली, संविधान को सर्वोच्चता, मतलब उत्तरदायी शासन प्रणाली कहे जाए तो कोई भी सरकार अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान सकता, है ना। इन सबसे ऊपर क्या है, संविधान। तो वो जो भी कार्य करेंगे, जो भी नियम बनाएंगे, जो भी हम क्या बनाते हैं, अलग अलग क्या करती सरकारें, हमारे लिए क्या लाती है, हमारे लिए अलग अलग नियम लाती है, है ना, अलग अलग नीति लाती है, अलग अलग योजना चलाती है। तो ये सब क्या है, जो सरकारें बनाती है वो संविधान के नियमों के अंदर ही बनाएगी, ठीक है मेरे बच्चों। तो यही था, क्या था हमारा संविधान की विशेषताएं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आ सकता है कि 1935 के अधिनियम और हमारे संविधान, स्वतंत्र भारत के संविधान में क्या क्या अंतर है, है ना। ये आपके 6 मार्क्स में क्वेश्चन में आएंगे बच्चे, हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आ जाए, है ना, अंतर। क्योंकि जो हमारा भारत का संविधान बना था वो 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग ही बना था, बहुत सारे जो प्रावधान थे वो वहाँ से लिए गए थे, लेकिन फिर भी क्या थी, बहुत चीज़ें अंतर थी। तो क्या चीज़ें अंतर थी बच्चे, पहला था भारत की बहुत सीमित आबादी, केवल 10% को ही यहाँ पे क्या किया गया था, वोट देने का अधिकार था। जब भारत 1935 का अधिनियम बनाया गया था तो ये सिर्फ क्या थे, कुछ ही लोगों तक सीमित थे, जो बहुत ज़्यादा संपत्ति वाले लोग थे, कुछ ही धर्मों को था। लेकिन अभी भारत में क्या है, कुछ नहीं, आप 18 वर्ष से अधिक हो मतलब आप वोट दे सकते हो, है ना, अभी के टाइम में। उस टाइम में केवल 10%, अभी तो 2 करोड़ कितनी हमारी तो भारत की जो संख्या वो क्या, विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली देश बन गई है ना। तो क्या है, अब यहाँ जो भी 18 वर्ष से अधिक है वो क्या है, वो वोट दे सकता है, ठीक है। सीट केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए आरक्षित थी, जहाँ केवल धर्म जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई ही वोट दे सकते थे। मतलब कुछ जगहों पे, जैसे अगर समझ लो कोई एक जगह है ना ए नाम का, वहाँ अगर मुस्लिम है और हिंदू भी है तो वहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग वोट देंगे, हिंदू नहीं देंगे। लेकिन अभी क्या है, संपूर्ण लोग, कोई कहीं भी रह रहा हो, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का हो, वो 18 वर्ष से अधिक है मतलब उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। 1935 भारत को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वायसराय या गवर्नर के पास कई महत्वपूर्ण अधिकार थे और वे चुनी हुई विधायिका व सरकारों को भंग कर सकते थे या उनके द्वारा पारित कानूनों को अमान्य कर सकते थे। लेकिन अभी सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून का स्वरूप धारण नहीं कर सकता, है ना। उस टाइम क्या है, वायसराय का मन लगता है कि अच्छा ये तो इंडिया के फेयर में हो जाएगा तो मुझे इसको नहीं रखना है, तो क्या कर सकता था, वो जो विधायिका ने नियम बनाया उसको क्या कर सकता था, काट सकता था, उसको वापस कर सकता था। लेकिन अभी क्या है, जो नियम बनते हैं वो क्या है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बनते हैं, है ना। तो क्या जो संसद है वो नियम बना के क्या करती है, राष्ट्रपति को भेजती है और राष्ट्रपति उसको देख दुखा कर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। अधिकार वही है लेकिन क्या है, स्वरूप बदला है। उस टाइम वो कुछ भी किसी भी नियम क्या कर सकता था, पारित का उस कानून को ठुकरा सकता था। लेकिन अभी प्रॉपर नियमों के आधार पर अगर किसी कानून को या तो अपनाया जाता है या तो ठुकराया जाता है, ठीक है। उस टाइम भी क्या पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी, अभी भी तो हम क्या थे, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, लेकिन ये जो संविधान बनी थी वो क्या थी, पूर्ण स्वतंत्रता से बनी थी। भारत सरकार क्या अभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हमारे देश के अंतर्गत क्या है, किसी अन्य राज्य का शासन नहीं है, हम पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र भारत है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये था क्या है हमारा पूरा क्या है, हमारे जो 12वां चैप्टर है भारत के संविधान का निर्माण, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इस चैप्टर से केवल 6 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको पूरी तैयारी क्या करने, बड़े मार्क्स में 6 मार्क्स से क्वेश्चन बोला जाता है, कितने आपको 150 से 175 शब्दों में लिखना है ना। और इसको आपको कोशिश करिएगा, जब भी ये आता है ना, तो कोई एक पॉइंट के फिर 2 लाइन, फिर 1 पॉइंट, 2 लाइन, पूरा पैराग्राफ में कभी लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या होता है, जो चेकर होता है ना वो बहुत बोर हो जाता है जब लंबे आंसर देखता है ना, जैसे आप भी जब टीचर 40 मिनट से 50 मिनट पढ़ाएगा तो आप भी बोर हो जाते हो ना, उसी प्रकार जो चेकर है वो बहुत लंबा आंसर देख के बोर हो जाता है। तो क्या करना है, आंसर बड़ा लिखना है लेकिन पॉइंट्स में बुलेट बना बना के, ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर दे दो, डायग्राम बना दो, है ना, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी चीज़ें ऐसे आप एक साइड बना दो,
तो आपका आंसर अच्छा दिखेगा, जब लोग देखने वालों को अच्छा लगेगा तो आपको अच्छा मार्क्स देगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा तो मेरिट में आओगे, है ना। तो हमें तैयारी क्या करनी है, मेरिट में। हम अपने मार्च मिशन पर हैं जिसमें आज हमने इकाई तीन का पहला चैप्टर पढ़ा है। अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, इकाई तीन का दूसरा चैप्टर, और ये हमारे राजा चैप्टर है। तो राजा को हराना रे भैया, हम तो मार्च मिशन में निकले हैं, है ना। तो मार्च मिशन में झंडा गाड़ना है 17 मार्च को, उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो हम क्या है अपने मिशन 2023 में है, जहाँ हमको क्या करनी है, हर एग्जाम में ऐसे झंडे गाड़ने, हर एग्जाम में ऐसे अच्छे मार्क्स लाने। तो मेरे बच्चों इसी तरीके से तैयारी करते रहो। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हो, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो, और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए किसी भी तरीके से सहायता ले सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से आप तब तक पढ़ते रहो, और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो।